नमस्कार मित्रों, मैं अमूल भगत आप सभी का स्टार एफएक्स न्यूज में स्वागत करता हूँ। आप सभी ने हमारे चैनल पर सलमान खान को देखा, सब्सक्राइब किया, पसंद किया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी जिंदगी का तंबू तीन बम्बों पे खड़ा है मुंशी जी। हमारी जिंदगी का तंबू तीन बम्बों पे खड़ा है, शायरी, शराब और आग। इन तीनों में से अगर एक बम्बू भी हिल गया तो हमारी जिंदगी का तंबू उखड़ जाएगा। आप ही कहते थे ना मुंशी जी कि औरत जब तक मर्द की जिंदगी में ना आए, मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता। बात में वजन पैदा करते करते मुंशी जी हमारा वजन कम हो गया। अगर ये मोमबत्तियां बुझने से पहले वो नहीं आई मुंशी जी तो जिंदगी भर के लिए हमें मोमबत्तियों से नफरत हो जाएगी। लेकिन एक बात कही मुंशी जी, वो आएगी जरूर, वो जरूर आएगी। वाह 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 बेटे, वो आएगी जरूर जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए अपनी शायरी में थोड़ा दम लाओ, थोड़ा वजन लाओ। ये वजन मिलता कहाँ है मुंशी जी? दिल की दुकान पर, दिल की बाजार में। अगर वो नहीं आएगी तो इनमें से कोई आ जाएगी। बजाओ ताली। थैंक यू। अब क्योंकि बच्चन साहब की बात हो गई है तो आपके सामने एक ऐसा गाना पेश कर रहा हूँ जो आज तक ना आपने सुना है, ना आज सुनेंगे, ना फिर कभी सुनेंगे। ये मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि ये जो गाना जिन्होंने गाया, इनका जब मैं नाम बोलूँगा तो ज़ोरदार तालियाँ बजनी चाहिए। इस प्लेबैक सिंगर का नाम है सुदेश भोसले। ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आज तक मैंने जितने भी गाने गाए हैं सारे उधार का सिंदूर रहे हैं, मतलब अपनी आवाज़ छोड़कर सबकी आवाज़ों में गाया है। ये गाना भी मैंने श्रीमान बच्चन साहब की आवाज़ में गाया है और अमिताभ बच्चन इस गाने को पर्दे पर हेमा मालिनी जी को देखकर गाते हैं। फिल्म का नाम है बागबान। इस गीत में मेरा साथ दे रही है पत्रकार बंधु मत। एक सरदार जी आए जी, पंजाबी और हिंदी, नागपुरी पंजाबी सुना कभी साहु जी के तड़के के साथ? वन टू थ्री फोर। जरा पास आओ मेरे नाना, जरा पास आओ मेरे नाना। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जाने तो मन लड़ जाए। जरा पास आओ मेरे नाना, जरा पास आओ मेरे नाना। Chiramu
हाथ करके थोड़ा थोड़ा मटक सकते हैं, ठीक है? ऐ शाबाश, हम लोग सुबह तक यही रुकने वाले हैं क्योंकि सुबह तक कोई फ्लाइट नहीं है, घबराओ मत, बोरिया बिस्तर लेकर आए हैं। आइए माइक आएगा तीन या मेरे मखड़ा मेरी सोनिए शान बलिए सांस्कृतिक महोत्सव साजरा करतो आहो आणि मी या उद्घाटनाकरता आपल्या सगळ्यांचे आवडते अभिनेते सलमान खान या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं स्वागत करतो। आपणही त्यांचा टाळा वाजवून जोरदार स्वागत करा। ते केवळ अभिनेता नाही आहेत तर अनेक गरीब मुलांची हार्टचे ऑपरेशन्स त्यांनी मोफत करून दिली, अनेक गरीब मुलांना आधार दिला आणि सातत्याने हजारो रुपये खर्च करून ते नेहमी गरीब माणसाच्या मागे उभी करता उभे राहतात, त्यांची सेवा करतात। आणि म्हणून केवळ आदर्श अभिनेता नाही तर एक समाजातील संवेदनशील समाजसेवक देखील त्यांच्यामध्ये आहे आणि म्हणूनच त्यांना आपण आजच्या या कार्यक्रमाला बोलवलं आहे। त्यांचं एक मोठं काम आहे, मी त्यांचं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने खूप खूप स्वागत करतो आणि त्यांना आपल्याशी बोलण्याची विनंती करतो। या खासदार महोत्सवात माननीय सलमान खानजी तुमच्याशी बोलण्यापूर्वी माननीय आमदार नितीनजी गडकरी या सांस्कृतिक महोत्सव आयोजन समितीच्या सर्व सदस्यांच्या वतीनं सलमान खानजींचं स्वागत करताना सलमानजी फक्त मला एवढंच सांगायचं आहे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सलमानजी कि एक देश का दबंग नेता आदरणीय नितिन जी के रूप में व्यासपीठ पर मौजूद है और फिल्म इंडस्ट्रीज का सुल्तान सलमान खान जी के और फिल्म इंडस्ट्रीज का सुल्तान सलमान खान जी भी मंच पर मौजूद है, वो आपसे रूबरू हो। मैं सलमान जी के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सलमान जी आए हो घर हमारे तो दीप जला लेंगे, इतने खुशी के माहौल में दीपावली की प्रतीक्षा करने की जरूरत क्या है, ईद की प्रतीक्षा करने की जरूरत क्या है? अरे आए हो घर हमारे तो दीप जला लेंगे और मिलोगे जहां गले हमसे ईद वही मना लेंगे।
दोस्ती की ना तो कोई मस्जिद है ना कोई मंदिर, दोस्तों दोस्ती की ना तो कोई मस्जिद है ना कोई मंदिर। सलमान खान जी जहां मांगोगे आप दुआ, हम सर वही झुका लेंगे, हम सर वही झुका लेंगे, माननीय सलमान खान जी। चलो हो गया, चलो चलो हो गया।